हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरमान ऑलटेक यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन है और अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक या एक से ज़्यादा हेलो आईडी आप लॉगिन कर सकें सेम टाइम पे, तो वो कैसे करेंगे। ऐड अकाउंट आप कैसे कर सकते हैं एक से ज़्यादा, जैसे कि आपको दो अकाउंट यूज़ करना है तो आप एक लॉग आउट करते हो तो दूसरा ओपन करते हो, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सेम टाइम पे दो आईडी कैसे अपने एक एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आईडी लॉगिन करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मान लो आपको करना है हेलो ऐप ओपन करना है, और हेलो ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर मी का ऑप्शन है, उस मी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मेरे हेलो आईडी है, और आप चाहें तो इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप एक ही आईडी में, इसी एप्लीकेशन में दो अपनी हेलो आईडी कैसे यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम में। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली सबसे लास्ट में आना है। यहाँ सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा स्विच अकाउंट और लॉग आउट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मेरी रनिंग में एक आईडी है, करंट अकाउंट अभी एक ही चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक और आईडी इसी में ऐड कर सकें बिना लॉग आउट किए, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे एंटर योर फ़ोन नंबर मांगेगा। तो आप इसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से, ट्विटर से या टिकटॉक से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मतलब एक और आईडी, नई आईडी बन जाएगी आपकी इससे। अगर आपकी पहले से ही आईडी है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ स्विच अकाउंट है, तो यहाँ पर एक और इसी के नीचे ही एक और आईडी आपकी सबमिट हो जाएगी, ऐड हो जाएगा यहीं पे। जब यहीं पे ऐड हो जाएगा तो आपको जो सी आईडी चलानी होगी जब मर्जी तब उस पर क्लिक कर देंगे, वो आईडी ओपन हो जाएगी। आपको उसके नीचे वाली आईडी चलानी है तो यहाँ पे आना है और इसको यहीं से क्लिक कर देना है, और आपकी दूसरी आईडी ओपन हो जाएगी। ऐसे करके आप बहुत सारी आईडी ऐड कर सकते हैं सेम टाइम में। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नेम है आपका, जैसे कि मेरा है अरमान अंसारी लिखा है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, एरो पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, और यहीं से आप डायरेक्टली अपने एक अकाउंट क्लिक करेंगे तो पहला चल जाएगा, और दूसरा क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा ओपन हो जाएगा। आपको बार बार लॉग आउट करके दूसरी आईडी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्या बार बार आपको ओटीपी आएगा, बार बार आपका दूसरी आईडी लॉगिन होगी। तो ऐसे आपको एज इट इज़ क्या करना है कि बस उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपकी वो आईडी चल जाएगी। ऐसे करके आप अपना एक से या दो या तीन या चार जितना मर्जी उतना आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने बताया है कि आप ऐड अकाउंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अकाउंट ऐड करना सिखा दिया है मैंने, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको दो अकाउंट ऐड करने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके दो दो अकाउंट है हेलो आईडी पर, एक पे आप ब्लॉग्स डालते हैं, एक पे आप इमेज या वीडियो इंटरटेनमेंट क्रिएटर हैं, तो आप दो अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हर किसी के फ़ोन में दो नंबर होते हैं, तो हर कोई चाहता है कि एक दो मैं दो आईडी बना लूँ। ऐसे फेसबुक पर भी कई आईडी होते हैं, तो ऐसे आप इसमें भी दो आईडी बना सकते हैं, और एक नहीं चली तो दूसरी तो चलेगी। तो ऐसे करके आप दो हेलो आईडी यूज़ कर सकते हैं, और अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी है तो आप ऐसे कर सकते हैं अपना ऐड अकाउंट। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐड अकाउंट कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस यहाँ ऐड अकाउंट पे आना है, और अगर आपके पहले से आईडी है तो आप उसमें सबमिट कर देंगे और आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। बस आपको क्लिक करना है, अप डाउन करना है, और आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। इसमें बार बार आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए बाय बाय।